मल्टीडू में आपका स्वागत है। आज यहाँ एक असली चॉकलेट चुनौती आपका इंतजार कर रही है। चॉकलेट सभी को पसंद होता है, इसलिए आराम से बैठ जाएं और चुनौती का मजा लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्वादिष्ट यहाँ मेरा इंतजार कर रहा है और मेरे अंतर्मन ने मुझे धोखा नहीं दिया। यह वास्तव में स्वादिष्ट चीज है। देखो मुझे कितना बड़ा चॉकलेट बनी मिला है। ये कितना प्यारा है। ये चॉकलेट का बना हुआ है पर ये बिल्कुल असली जैसा दिखता है। हाँ बिल्कुल असली की तरह। दिलचस्प है। क्या ये स्वादिष्ट है? बिल्कुल, ये चॉकलेट है तो ये स्वादिष्ट तो होगा ही ना। अगर तुम्हारे पास चॉकलेट है तो मेरे पास क्या होगा, ये पता लगाने का समय है। कितना सुंदर। मुझे ये कैसे समझ में नहीं आया कि अगर तुम्हारे पास चॉकलेट खरगोश है इसका मतलब है कि मेरे पास असली होगा। बिल्कुल, ये बहुत ही प्यारा और फ्लफी है। ओ यार मुझे भी एक असली खरगोश चाहिए। हालांकि एक असली खरगोश को खा नहीं सकते पर चॉकलेट खाना अच्छा लगेगा। स्वादिष्ट, ये इतना अच्छा है कि तुम रुकना नहीं चाहोगे। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है इसलिए मैं आराम से इस खरगोश को खा सकती हूँ। बहुत अच्छा। जब तुम खाने में व्यस्त थी तब मैंने अपना वेश बदल लिया। अब मैं एक जादुई टोपी के साथ एक असली जादूगर बन गई हूँ और अब मैं दिखाऊंगी कि असली जादू क्या होता है। एक दो तीन बनी निकल जाओ। तड़म। ओ वाह, लेकिन खरगोश कहाँ गया? वो कहाँ है? परेशान मत हो, खरगोश को बहुत आसानी से वापस बुलाया जा सकता है। सभी खरगोश को क्या पसंद होता है? बेशक गाजर। और यह खरगोश भी कोई अपवाद नहीं है। तो फिर जब मैं उसे गाजर दूंगी तो वह तुरंत वापस आ जाएगा। वह कितनी जल्दी सब कुछ खा लेता है। वह क्या खरगोश अभी भी इस हैट में है? हाँ बिल्कुल, वो वहाँ बैठकर खुशी खुशी गाजर खा रहा है जिसे वो बहुत पसंद करता है। सुनो मेरे पास एक दिलचस्प आइडिया है। तुम मुझे खरगोश हैट दो और मैं तुम्हें ये चॉकलेट बनी दूंगी। तुम खाओ और मैं खेलूंगी। चलो ठीक है करते हैं। अब यह खरगोश मेरा होगा, उसे बस इस टोपी से बाहर निकालना होगा। अरे ओह, उसने मुझे काटा। बस हो गया, अब मैं उसे प्यार नहीं करूंगी। जस मेरी चॉकलेट मुझे वापस करो, कम से कम वो काटता नहीं है। तुम्हें बिल्कुल पता नहीं कि पालतू जानवरों को कैसे संभालते हैं। अगर जादू की मदद से इसे वापस ला सकते हैं तो अपना हाथ लगाने की क्या जरूरत है। तो फिर तुम खुद उसके साथ खेलो और बेहतर होगा कि मैं चॉकलेट खाऊं। एक असली खरगोश अभी भी बेहतर है। वाह, यह असली आईफोन है। हाँ और सबसे नया। मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने भी नहीं, लेकिन ये कितना अच्छा है कि अब ये मेरे पास है। चलो इसे जल्दी से खोलते हैं। मुझे नई तकनीकों को खोज करना बहुत अच्छा लगता है, खासकर अगर ये एक आईफोन हो। मैं इसे चालू करके जल्दी से जल्दी इसका उपयोग करना चाहती हूँ और इससे सेल्फी भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। वाओ, व्हाट द, रुको, अजीब है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है और ये इतना गंदा क्यों हो गया? अरे इसे चक्कर देखो, ये जरूरी कुछ स्वादिष्ट है। नहीं या नहीं, नहीं, ओ ये चॉकलेट है। बेशक मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है लेकिन मुझे फोन भी चाहिए था। फोन के साथ हम जो चाहे कर सकते हैं और चॉकलेट तो केवल खा सकते हैं। मुझे अफसोस है, मुझे लगा हम दोनों के पास नए आईफोन है। मुझे भी बहुत खेद है लेकिन हर चीज को अपने फायदे होते हैं। मैं अपनी चॉकलेट खा सकती हूँ। क्या तुम मुझे भी दोगी, कम से कम एक टुकड़ा? नहीं मैं तुम्हें क्यों दूँ, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना आईफोन है, मुझे कम से कम चॉकलेट तो खाने दो। बिल्कुल, मेरे पास असली आईफोन है। हुर्रे, मैं अपने नए आईफोन के लिए कितनी खुश हूँ। मैं इसके साथ जो चाहे कर सकती हूँ। यार तुम बहुत किस्मत वाली हो। मुझे पता है अब मैं इंटरनेट जीत सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, टिकटॉक इंस्टाग्राम, मैं हर जगह रहूंगी। वाह बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें क्या चाहिए, मुझे परेशान मत करो। What the? मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं बस देख रही थी कि तुम वहाँ क्या कर रही हो। तुम मुझे तंग कर रही हो, मैं अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही हूँ। तो क्या हुआ, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे भी एक आईफोन चाहिए। hey!
और मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे पाया जा सकता है। बेटी देखो, सबसे लोकप्रिय टिकटॉकर है। कहाँ, दिखाओ। मैं उसे खुद ही ढूंढ रही हूँ, और जब तक तुम उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हो तब तक मैं तुम्हारे आईफोन का उपयोग करती हूँ। अरे तुमने क्यों ले लिया, वापस करो, ये मेरा है। ओह मेरा प्यारा आईफोन, इसे क्या हो गया? उफ जैस, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, वो खुद ही गिर गया था। रो मत बेटी, मुझे तुमसे पूरी सहानुभूति है। मत रो, ये अभी भी अच्छा है। अरे वाह, फ्रेंच फ्राइज, मुझे ये बहुत पसंद है, और खासकर जब ये चॉकलेट के बने हो। मेरे पास चॉकलेट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये काफी पसंद है। मैं जब भी मैकडॉनल्ड जाती हूँ इसे खाए बिना नहीं आती। चॉकलेट फ्राइज मिलना मुश्किल है, इसलिए मैं खुश हूँ कि मुझे यह मिला। मैं खाकर देखना चाहती हूँ कि कितना स्वादिष्ट है। यह इतना अच्छा है कि इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। क्या यह वाकई में स्वादिष्ट है? हाँ, बहुत स्वादिष्ट। मैं तो रुक ही नहीं पा रही, मैं बस जल्द से जल्द सारी चॉकलेट खा लेना चाहती हूँ। तो खाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? असल में क्यों ना एक बार में ही सब खा लिया जाए, इससे मेरा चॉकलेट और स्वादिष्ट लगेगा। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने काफी दिनों से इतनी चॉकलेट नहीं खाई थी। हाँ, तुम्हारा मुंह भी यह बता रहा है। अब वो ऐसा लग रहा है कि वो चॉकलेट का बना हुआ है। तो क्या हुआ, इसका स्वाद मुझे बहुत पसंद आया, और जब चाहे तब चेहरे पर से चॉकलेट लेकर खा सकते हैं। नहीं, इसे चाटो मत, मैं उसके साथ कुछ करना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छा लग रहा है, अब तुम्हारे पास मुँह ही नहीं चॉकलेट मूछे भी है। बस बहुत हो गया, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। बेहतर होगा कि अपने आलू खाओ। हाँ, अब मेरी बारी है फ्राइज खाने की, और मुझे भूख भी लग गई है। फ्रेंच फ्राइज हमेशा कमाल के होते हैं, पर अभी भी किसी चीज की कमी है। अगर यह केचप होता तो मजा आ जाता। वाह, जैसे ही मैंने इसके बारे में सोचा ये मेरे पास आ गया। तो फ्राइज, क्या तुम और भी स्वादिष्ट बनने के लिए तैयार हो? बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, और यह खाने में भी बहुत मजेदार होगा, यह मुझे यकीन है। मुझे जैसे कितनी जलन हो रही है। चॉकलेट फ्राइज स्वादिष्ट थे, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा। और ये लालची लड़की मेरे साथ शेयर भी नहीं करना चाह रही है। पर मेरे पास एक आइडिया है, केचप के साथ फ्राइज स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन टबैस्को के साथ उसे फ्राइज कैसा लगेगा? इस सवाल का जवाब पाना दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि ऐसे एक एक फ्राई पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज्यादा अच्छा होगा कि सारे फ्राइज पर एक साथ ही ढेर सारा सॉस डाल दूं। मैं ये सारे फ्राइज जल्दी से जल्दी खा लेना चाहती हूँ। कैसा है, स्वादिष्ट है ना? ओह, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, यह इतना तीखा क्यों है? वाह, ये एक असली फायर शो लग रहा है। यह फ्राइज इतने तीखे क्यों है? वो तो बिल्कुल सामान्य थे। यह सब सॉस की वजह से है, और यह केचप नहीं बल्कि टबास्को है। इसे किसने बदला? मुझे तो पता ही नहीं। मल्टीडो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आप हमारे किसी भी चुनौती को मिस नहीं करेंगे। यहाँ आपको हमेशा ही दिलचस्प और मनोरंजक चुनौती मिलेंगी। हमारे साथ बने रहें।